नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। लगभग आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र में प्रदेश हित की लंबित योजनाओं और उनसे जुड़ी राशि शीघ्र जारी करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावित तृतीय चरण में वर्तमान सड़कों का अपग्रेडेशन करने का अनुरोध किया है। श्री नाथ ने योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गांवों और बसाहटों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है जो पहले इस योजना में छूट गए थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान मध्य प्रदेश में खनिज उत्खनन से संबंधित लगभग 20 बड़ी परियोजनाओं की ओर दिलाया है जो विभिन्न अनुमतियों के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये अनुमतियां मिल जाती हैं तो प्रदेश को काफी अधिक मात्रा में राजस्व आय की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन की सीमा 75 लाख मीट्रिक टन करने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को आश्वासन दिया कि वे सभी प्रस्तावों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश देंगे और साथ ही भविष्य में भी प्रदेश के हितों का ध्यान रखेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायत एवं कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी की दर 174 रुपए प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर 205 रुपए प्रति मानव करने की मांग के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने चर्चा के सभी बिंदुओं पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री पीसी शर्मा ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने भोपाल के पास श्यामपुर में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा तैयार किए जा रहे एटमॉस्फेरिक टेस्ट डेट सेंटर के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश हेतु आयोजित नीट 2019 में टॉप करने वाले मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के राघव दुबे और हरदा के टिमरनी की कीर्ति अग्रवाल को होशंगाबाद एवं हरदा जिले के प्रभारी एवं जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने राजधानी भोपाल स्थित वन विहार में सिंह, बाघ, तेंदुआ और भालू हाउसिंग टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, कछुआ बाड़ा बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर, वन्य प्राणी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन विहार को सर्प बाड़े के सांपों का वेनम संग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। सरकार के सुनियोजित प्रयासों से वर्तमान में प्रदेश के कुल 378 नगरीय निकाय में से 258 में प्रतिदिन जल प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2018 में 162 नगरीय निकायों में प्रतिदिन जल प्रदाय हो रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने बताया है कि सभी नगरीय निकायों में नलों के माध्यम से प्रत्येक आवास में पेयजल उपलब्ध करवाना शासन का लक्ष्य है। संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर बीएन चौहान द्वारा सभी अस्पतालों में ओपीडी का परिवर्तित टाइम सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे प्रदर्शित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में नोटिस बोर्ड और ऐसे स्थान पर जहां नागरिकों की आवाजाही रहती है वहां बदले गए ओपीडी टाइम को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।